उत्साह, उमंग और उल्लास लेकर आई दिवाली की खुशियों ने बाजारों की रौनक रंगत सब बदल डाली। धनतेरस पर दुल्हन की तरह सजे बाजार में उम्मीद से ज्यादा धन वर्षा हुई। आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो सेक्टर, मोबाइल, कपड़ों के बाजार में ऐसा बूम 2 साल बाद नजर आया। शहर के हर बड़े बाजार देर रात तक अपनी रौनक बिखेरते रहे। प्रतिवर्ष खरीद बिक्री का आंकड़ा रखने वाले जानकारों का कहना है कि धनतेरस पर कारोबार 1500 करोड़ के आसपास पहुंचा। ये दिवाली सही मायने में खुशियों वाली साबित हुई। दरअसल 2 साल त्योहारों पर सादगी, शादी ब्याह पर रोक की कसर अब की बार दिवाली की शुभ मुहूर्त धनतेरस पर शहरियों ने पूरी कर ली। सबसे अधिक रौनक और चमका सराफों और वाहन बाजार में नजर आई। गहनों की खरीद ने पिछले 4 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देर रात तक सोने चांदी और डायमंड ज्वेलरी की खरीद सारी मंदी को दरकिनार करते नजर आई। सबसे ज्यादा बिक्री सोने के गहनों की हुई। ब्रांडेड शोरूम से गोल्ड डायमंड नेकलेस काफी संख्या में बिके। एक नेकलेस और हार की कीमत 40 से 50 लाख रही। जानकारों का कहना है कि सराफा बाजार में धनतेरस पर 400 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। 2 साल से तो कोरोना ही चल रहा था, ये तीसरे साल जो है आपकी धनतेरस पड़ी हुई है और बहुत अच्छी धनतेरस है। हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ है और अब इससे अच्छा तो नहीं हो सकता। हम तो यही चाहेंगे कि अब दोबारा ये कोरोना लौट के ना आए, क्योंकि बहुत ही दुखद घटनाएं हो चुकी हैं। बहुत से अच्छे अच्छे लोग, बहुत गरीबों के लोग भी घर में परेशानियां आई हैं। बहुत दिक्कत के बाद ये मार्केट उठी है। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि मार्केट हम लोगों की खूब अच्छी चले, सबके घर में खुशहाली रहे। मार्केट में बहुत रौनक है, बहुत अच्छी मार्केट है और ईश्वर की कृपा बनी रहे, बस यही हम चाहते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह, सराफा एसोसिएशन प्रेसिडेंट। अगर बात करें स्टील की, तो स्टील धनतेरस पर बर्तन बाजार में सबसे ज्यादा उछाल रहा। देर रात तक बर्तनों की खरीद के लिए महिलाएं बाजार में घूमती रही। बाजार में तो रात तक पैर रखने की जगह भी नहीं बची थी। इस बार स्टील के बर्तनों ने बिक्री में बाजी मारी। धनतेरस पर कुछ भी खरीदने वाले ग्राहकों ने स्टील को ही पसंद किया। ग्लास वाले डिनर सेट कई रेंज में उपलब्ध थे। स्टील, तांबा, पीतल और नॉनस्टिक बर्तनों की खरीद की लाइन लगी रही। कपड़े के बाजार की बात करें तो इस बार डिजाइनर कुर्ता सब पर भारी पड़ा। धनतेरस पर कुर्ता की खरीद खूब हुई। कारोबारियों का कहना है कि इस बार महंगे कुर्ते खूब बिके। अगर मॉल्स की बात करें तो मॉल्स भी देर रात तक खुले रहे। इस बार लोगों ने 4 पहिया व 2 पहिया वाहनों की भी खरीदारी करी। खास दिन पर वाहनों की जबरदस्त मांग के बीच ऑटोमोबाइल एजेंसियां 804 पहिया वाहन ही ग्राहकों को दे पाई। देर रात तक 200 ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 200 करोड़ का कारोबार हो चुका था। 2 दिन में रजिस्ट्री से 6.25 करोड़ मिले। आपको बता दें, राजस्व विभाग को 2 दिन में रजिस्ट्री से 6.25 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ। धनतेरस के दिन 3.25 करोड़ रुपए राजस्व में मिले और सोमवार को 3 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुए। SIG PN सिंह ने बताया कि सामान्य दिनों में लगभग 250 रजिस्ट्री होती है, लेकिन अब की बार 2.5 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। दीपावली पर नई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करना शुभ माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों ने मूर्तियों की खरीदारी की। इस बार की दिवाली मिट्टी के दिए और मूर्ति बनाने वाले कुम्हारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आई हुई है। पिछले कुछ सालों में चाइनीज आइटम की जबरदस्त डिमांड के चलते मंदी की मार झेल रहे कुम्हारों के पास इस बार काम ही काम है। उनके बनाए दिए और दूसरे सामानों हाथों हाथ बिक रहे हैं। आलम यह है कि कुम्हारों की चाक कताई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।